लद्दाख कलोनी को। तो देख सकते हो कि मौसम चेंज हो चुका है, शक्लें देख लो, सारे लोग यूपी गए हमारे। अरे भैया यहाँ पर क्या फोटोशूट चल रहा है, यहाँ तो हम कहाँ जाएं गाड़ी लेके। सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। मेरे साथ है यहाँ के होटल के ओनर, बहुत ही जेंटलमैन आदमी है। जो फोर्ट है उसी रोड पर है, आपको मिल जाएगा, या फिर आप लिंक दे दूंगा आपका, इनका फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप इससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी ब्रीदिंग मुश्किल है जो कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हो रहा है, बॉडी थोड़ा एक्लिमेटाइज होगी कुछ एक दो दिन में। तो यहाँ पे सारे बाइक ऐसे पार्क रहती हैं, बाइक पे लगेज भी रखा हुआ था, मैं निकाला नहीं। ये है पलाशय गेस्ट हाउस। और आज आप वेदर देख सकते हो, वेदर के हिसाब से आज स्नोफॉल है, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है आज। लद्दाख का लॉलीपॉप। तो ये हैं अपनी बाइक। तो गाइस अभी रूम में आ चुका हूँ और प्रियांशु की हालत ठीक कुछ ठीक नहीं है, मतलब यू नो, तो ऐसे में यहाँ पर आकर रेस्ट करें, कोई हैवी वर्क मत करें। अभी बना रहे हैं चाय और इधर से देख सकते हो अपना नज़ारे। एक्चुअली टेंट लगाने का भी सोचा था, बट मौसम को देखते हुए मैंने सोचा टेंट नहीं लगाते हैं, और टेंट लगा लेंगे बाद में कहीं रास्ते में। यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा एकांत फील कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा सभी चीज़ों से दूर हूँ। यहाँ पर फैमिली को मिस कर रहा हूँ, ठीक है, मॉम को मिस कर रहा हूँ, मॉम के हाथ की सुबह की चाय मिस कर रहा हूँ, जो 7:30 बजे मैं और मॉम बैठ के पीते हैं, गपशप करते हैं। डैड को बहुत मिस कर रहा हूँ। 2018 में जब मैं आया था तो तब तो डैड थे, लेकिन इस बार नहीं है। बस यही सब चीज़ें चल रही लाइफ में, और थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, आराम कर रहा हूँ, नाश्ता वगैरह बना लिया था, चाय वगैरह बनाई। तो देख सकते हैं मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, एकदम बारिश हो रही है, धुंध छाई हुई है, और ऐसे में खारदुंगला जाना बहुत ही रिस्की हो सकता है, स्नोफॉल हो रहा होगा इस टाइम। व्यू देख लो अब यहाँ पर, तो पूरा टी शर्ट लगा मैं यहीं पर बैठ के ब्लॉग कर रहा था। तो मैं ये छत पर आया था, यहाँ पर बैठने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है इस तरह, और देख सकते हो बारिश अभी भी हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और अच्छा हुआ आज का प्लान हमारा खारदुंगला का नहीं था, क्योंकि आज बारिश है तो स्नोफॉल भी होगा वहाँ पर, ढेर है, सो रहा है, थक गया था ज़्यादा, नहाएंगे नहीं आज भाई, 5 दिन से लगातार नहा रहे थे, आज बिल्कुल नहीं नहाएंगे, ठंड लग जाएगी, मौसम ख़राब है। सो गाइस वेलकम बैक, और अभी हम हैं लद्दाख की गलियों में, लद्दाख के रास्ते पर हैं, मतलब लद्दाख की गलियों में ही हैं। और बाइक में इंजन ऑयल चेंज करवाना था मुझे, तो मैं सोच रहा था कि बाइक वॉश भी करवा लूं और इंजन ऑयल भी चेंज करवा लूं। गाइस हमें एक शॉप मिल गई है यहाँ पर पेट्रोल पम्प के पास है लद्दाख में, तो वही अभी इंजन ऑयल चेक करवा रहे हैं। भाई मिले हैं, पंजाब से हैं, क्या नाम है भाई आपका? लव। इंजन ऑयल निकल रहा है, इंजन ऑयल पड़ रहा है, वो है लिपी मोली 20W50। तो मेरी बाइक इंजन ऑयल तो चेंज हो गया है, और अब है प्रियांशु की बाइक की बारी। गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर गाइड, मैं हूं शैलेंद्र, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और लेह में हमने एक दिन पूरा रेस्ट करा था, जो कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, हमने काफ़ी कुछ काम करवाया गाड़ी में, परमिट बनवाया, ये सब। सांस थोड़ी सी फूल ली इसलिए रुक रुक के बात कर रहा हूँ। हम जा रहे हैं यहाँ से खारदुंगला और नुब्रा वैली। फिलहाल हमने लगेज माउंट कर दिया है और बाइक्स हमारी उधर लगी हैं, फिर जो बाइक से सामान लोड कर रहा है, मैं लोड कर चुका हूँ, ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, सब कुछ हो गया, ऑल सेट, और हम अब निकल जाएंगे। जितनी जल्दी से जल्दी खारदुंगला पहुँचेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम रहेगा। हम यहाँ चेकआउट कर रहे हैं, कुछ सामान यहाँ पर हम काउंटर पर छोड़ देंगे। यार भाई लोग मिले हैं, सारे लोग मेरठ हैं ना आप लोग, शक्लें देख लो, सारे लोग यूपी के हैं हमारे। ये लोग भी आए, ये लोग पहुँचे हैं कल रात में, और साथ ही साथ हमारे पूरे रास्ते भर हमारे साथ में ही रहे, और अभी ये लोग भी जा रहे हैं ना, आप लोग भी खारदुंगला निकलेंगे, सब लोग निकल रहे हैं। चलिए मिलते हैं रास्ते में आपसे। ये पूरी गाड़ियाँ हैं, मीटियोर है, एवेंजर है, एवेंजर 3-4 एवेंजर हैं, और एक मीटियोर है। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं खारदुंगला के लिए, थोड़ा थोड़ा सामान रखा है, थोड़ा सामान होटल पर ही है।
तो मैंने भरवाया 500 का पेट्रोल और देख सकते हो लेह की वादियाँ, सामने गोम्पा बना है और ये है लेह का मेन पेट्रोल पम्प। मोस्टली सब लोग यहीं से पेट्रोल भरवाते हैं और यहाँ से आगे निकल जाते हैं। मेरे लेफ्ट जाएंगे इस चौराहे से सीधे तो है मनाली और मौसम बदल रहा है, कुछ कह नहीं सकते, आगे चलते हैं। चलो इधर से राइट मारना। हम लोग बढ़ रहे हैं खारदुंगला की तरफ और इस बार मैंने देखा है कि खारदुंगला की रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर दी गई है। 2018 में जब मैं आया था तो इतनी अच्छी नहीं थी। खारदुंगला की चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है तो पहला चेक पॉइंट हो चुका है, देख सकते हो। गाड़ी की RC और DL चेक होता है या फिर आपका ID प्रूफ कोई आधार या फिर फोटो ID कोई चेक होती है। तो अगर आप बाइक से आ रहे हैं मेक श्योर, अगर आप फोर व्हीलर से आ रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास सब कुछ हो, ठीक है। साउथ पुल है 20 किलोमीटर और खारदुंगला है 34। तो देखो इतना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा, हो भाई साहब। और ये वाला शॉर्टकट है, उधर से लेके उधर जा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ऊंचा है तो देख सकते हो, देख रहे हो ना जहाँ पत्थर लगा है, ये उधर से लेके उधर तक शॉर्टकट है ये। बाकी देख सकते हो रोड तो काफ़ी अच्छी है ही। अगर मेरे जानने में से कोई सब्सक्राइबर मेरा अगर कोई वीडियो देख रहा है तो मेरे आगे एक 150 चल रही है एवेंजर और एक चल रही है 160 CC। तो अगर आप सिंगल राइडर हैं लगेज के साथ हैं तो देख सकते हो बड़े आराम से दोनों बाइकें चढ़ रही हैं। तो अगर आप परचेज़ करना चाहो एवेंजर 160 तो परचेज़ कर सकते हो, कोई कन्फ्यूजन मत रखना। तो देख सकते हो कि मौसम चेंज हो चुका है, ऊपर बादल लगे हैं बहुत ज़्यादा। और खारदुंगला है 19 किलोमीटर और साउथ पुल्लू है 5 किलोमीटर। भाई साहब ज़बरदस्त, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ तो एक्साइटमेंट है लेकिन है ना थोड़ा सा तो कम हो ही जाता है, लेकिन हो सकता हो कुछ नया मिल जाए देखने को इस बार। साउथ पुल्ले में रुक के चाय पी लेंगे हैं। हाँ अरे रास्ते में हर पूरे है दुकानें हैं, शायद साउथ पुल्ले में हम लोग का वो भी चेक होगा ना परमिट। तो ये है साउथ पुल्लू और यहाँ पर आपको एंट्री करवानी होती है अपने परमिट की। अगर आप जेरोक्स लेकर आएंगे अपने साथ तो ज़्यादा फायदा रहेगा। चलते हैं। तो देख सकते हो ऊपर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ठंड एकदम बढ़ती जा रही है। और अब एक बात ये है कि खारदुंगला तक की जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन गई है। 2018 तक या 2018 से पहले तक जो लोग आए होंगे वो लोग जानते हैं कि खारदुंगला उस समय करना कितना टफ था, रास्ता कितना ज़्यादा चौड़ा बनाया है और कहीं कोई रिवर क्रॉसिंग नहीं, कहीं कोई स्लज नहीं और कहीं कुछ नहीं। क्या है आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा है तो जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि थोड़ा सा धीमे हो जा रही गाड़ियाँ। अरे बाप रे ग्रेवल पड़ा था मेरी बाइक का अगला, भैया थोड़ा सा लहरा गया, ये ग्रेवल से बड़ा डर लगता है मुझको। मैं आर्मी के वो ट्रक को जल्दी ओवरटेक नहीं करता अंटिल अनलेस की सिग्नल ना मिले। और देखिए भाई साहब क्या वादियाँ हैं, क्या पहाड़ हैं, क्या स्नोफॉल है और रोड बहुत अच्छी बन चुकी है। नो डाउट मुझको बाइक चढ़ाने में कोई इशू नहीं आ रहा है। बस हाँ एक होता है ना कि जब स्टीप चढ़ाई होती है अगर सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं तब थोड़ी सी आपको एक्सेलरेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो बस वही हुआ और कुछ नहीं। तो मैं पीछे देख रहा हूँ प्रियांशु कहाँ है, प्रियांशु कहीं दिख नहीं रहा दूर दूर तक। और ये हम कहाँ आ गए, ये हम कहीं तो आ गए हैं, ये क्या खारदुंगला तो नहीं है कहीं है? अगर ये खारदुंगला है तो माँ कसम मेरी गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं खारदुंगला आने में। और हम हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर आ चुके हैं, आप देख सकते हो सारे लोग ऊपर चढ़े हैं जबकि ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, ऊपर गोम्पा है ऐसा कहते हैं। तो
गोम्बा पर नहीं चढ़ना चाहिए। यह है माटी खारदुंगला, तो गाड़ी कहीं लगाते हैं साइड में, वरना हम जो है, अरे भैया यहाँ पर क्या फोटो शूट चल रहा है, यहाँ तो हम कहाँ जाएं गाड़ी लेके। वेलकम बैक, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर खारदुंगला पर, जो कि 18,000 फीट पर है। तो मेरे पीछे देख सकते हो स्नोफॉल ज़बरदस्त हो रखा है, और कैसा रहा पता तक नहीं चला खारदुंगला आ गया। इस बार रोड बहुत ज़्यादा अच्छी बन चुकी है, पैचेस बैड पैचेस कोई नहीं है, और बीआरओ ने अपना काम बहुत ही बखूबी करा है। और यहाँ पर आप 15 मिनट से ज़्यादा मत रुकिएगा, 15 मिनट से एक घंटा बस, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर आपको ब्रीदिंग इशू हो जाएगा। देख सकते हो लगे हुए। तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं नुब्रा वैली। देख सकते हो यहाँ पर लिखा है डू नॉट हॉल्ट हेयर फॉर मोर देन 20 मिनट्स, क्योंकि लो ऑक्सीजन लेवल है, और प्लेंटी ऑफ वाटर पिए ताकि जो है आपको ऑक्सीजन लेवल आपका कम ना हो। ठीक है, बहुत भीड़ है अभी, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है अभी, निकलते हैं यहाँ पर।